सबको बोल चैनल सब्सक्राइब कर दो, बोल दे चैनल सब्सक्राइब कर दो। प्योर बॉय निखिल चंद हेयर हेयर हेयर। सो फाइनली आज आपका भाई आया है बॉर्डर पे, हुसैनी वाला बॉर्डर जो कि पंजाब में फिरोजपुर के शहर में है। सो फाइनली आज आपको बॉर्डर का रिव्यू देंगे, बहुत अच्छा बॉर्डर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब तो पूरा रिव्यू दूंगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई ट्रैवल व्लॉगिंग चैनल, निखिल चंद वाले चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो चलो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, तो चलो चलते हैं। और ब्रिज जो आपने देखा अभी पार कर लिया है, तो सोलिडर्स ने हमको बोला था कि आप इसकी फोटो मत लो, बट फिर भी जितना हो सका मैंने उससे कम आपके लिए फोटोज ली। ये जो पीछे देख सकते हो यहाँ प्रेयर होती है बिल्कुल सामने, और इस साइड में जो पार्क बना हुआ है इस साइड, हाँ एक मिनट, इस साइड में पार्क बना हुआ है जो पीछे जहाँ प्रेयर होती है उधर हमको जाने नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, प्रेयर कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको घुमाने के लिए पार्क की साइड लेके जाऊंगा, उधर बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चलो चलते हैं। मैंने अभी सोलिडर से बात की थी, वो बोला कि प्रेयर तो बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते, जो मेरे पीछे देख सकते हो इधर प्रेयर होती है, और जो इधर वाली साइड जो गेट लगा हुआ है इधर है पारा पार्क है, और जहाँ पे शहीद भगत सिंह की समाधि है सब कुछ इधर ही है, और यहाँ से ट्रेन जाती है पाकिस्तान की तरफ, आपको सब दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो ये है बैटल ऑफ हुसैनी वाला 1965 में यहाँ पे बहुत बड़ी बैटल हुई थी, जिसका ये जो मैप बनाया हुआ है इन्होंने, ये रहा फिरोजपुर, फिरोजपुर से ये जो ब्रिज आता है, सो यहाँ पे टूल आता है, टूल से आके ये पूरा उन्होंने बनाया हुआ है, और इधर वाली साइड में लाहौर है, इधर में राजस्थान फेडर है आप देख सकते हो, और जो भगत सिंह है उनकी ये सुखदेव राजगुरु सबकी ये बना हुआ है उनका, उसके बाद जो इंडियन फोर्स का बैटल का था जहाँ पे बैटल हुई थी वो यही वाली प्लेस है, और ये आप देख सकते हो पूरा। जिसको ये पढ़ना है आप यूज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जिसको भी पढ़ना है यूज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे ही हम देखते जाते हैं और इधर से बॉर्डर सारा पूरा स्टार्ट हो जाता है। जो ये लोकेशन आप देख सकते हो ये एक स्टेशन है, ठीक है, आपको गोलियों के निशान दिख रहे होंगे, वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे, अभी मैं जूम तो कर नहीं सकता, गोलियों के निशान आपको दिख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ से ट्रेन सीधा पाकिस्तान की तरफ जाती है, ये है जो रास्ता। दिल को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मेरे दिल को तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे बैकग्राउंड में यहाँ बॉर्डर स्टार्ट होता है, बॉर्डर की जो प्रेयर होती है वो दूसरी साइड होती है, जो आपको मैंने पहले दिखाई थी कि वो उस वाला साइड है, ये पूरा पार्ट दो पार्ट में बांटा हुआ है, जिसने घूमना है वो इधर आके घूम सकता है, जिसने प्रेयर देखनी है वो उधर जाके प्रेयर देख सकता है, और भगत सिंह की जो ओरिजिनल पिस्टल थी वो उधर पड़ी हुई है, उन्होंने क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं उसमें रखा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें रखा हुआ है, तो आपको वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, क्या चाहिए, आपको पता कोरोना टाइम चल रहा है जिसके कारण मैं उधर जा नहीं सकता। आई होप माई बेस्ट कि जब ये खुलेगा तो आपका पूरा दोबारा से एक अच्छा रिव्यू दूंगा, बट यहाँ की लोकेशन मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, मतलब मेरे दिल को इतनी ज़्यादा खुशी थी, मैंने 10-15 दिन से प्लान बना था कि मैं यहाँ आऊँगा, ज़रूर आऊँगा ज़रूर आऊँगा, कब आऊँगा, घर वाले आने नहीं देते क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। ये देखो पीछे लोकेशन देख सकते हो, बहुत हार्ड लोकेशन है, फोटो शूट करेंगे,
सो आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देते हैं और फिर से आपसे बात करते हैं, आपको पूरा बताता हूँ इसका क्या सीन है और किस चीज़ के लिए पीछे इन्होंने जो बना हुआ है, किस चीज़ के लिए बनाया, किस चीज़ के लिए नहीं बनाया। गलत पकड़ा हुआ था मैंने, ऐसे सही है। अई गर्म बहुत है यार। यहाँ से होगी हमारी एंट्री, आप देख सकते हो फाइनली एंट्री हो चुकी है मेरी अंदर। हमको अपने शूज़ या कुछ भी पहना हुआ है, स्लीपर्स आपने पहना हुआ है, आपको बाहर उतार के आना है, यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक के नहीं आना। ये देखो आप पीछे जगह देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं से चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा और एक भी पर्सन यहाँ पे नहीं है, एक भी पर्सन भी यहाँ पे नहीं, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। बहुत ज़्यादा कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको दिखाता हूँ, जब देख सकते हो जो पीछे समाधि बनी हुई है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की, देख सकते हो आप। बहुत हार्ड लोकेशन है यार, मैं बोलता मतलब कि बंदा एक बार नहीं तो 10 बार नहीं तो 20 बार भी आए ना, इतना बड़ा है, मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है यार। बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। अभी तो यहाँ पे घूमने का इतना मज़ा है ना, अंदर की तो बात ही छोड़ दो आप। बहुत सही ज़्यादा, बहुत सही लोकेशन है, बहुत ही सही लोकेशन है। और यहाँ का कुछ सीन ऐसे है कि आप देख सकते हो बिल्कुल मेरे पीछे तीनों की समाधि बनी हुई है, प्राउड टू ऑल। इन तीनों की समाधि इसलिए यहाँ पे बनी है क्योंकि आपको बताता हूँ, गर्मी बहुत है, मैं आपको बैक करके दिखा। भगत सिंह इनकी हम देख सकते हो गोल्डन की बनी हुई है, और यह शहीद राजगुरु, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद यह शहीद सुखदेव, यहाँ पर जब इनको फांसी दी गई थी तो इनकी बॉडी को यहाँ पे लेके आया गया था, यहाँ पे आके उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, अगर किसी को भी ये पढ़ना है तो प्यूज करके पढ़ सकता है, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है पंजाबी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको देखना है तो प्यूज करके जरूर देख सकते हो। इसके बाद जैसे ही यहाँ जाते हैं ये बंदे पिक्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। और इसके बिल्कुल राइट में इन्होंने बनाया हुआ है स्विमिंग पूल बना हुआ है, पूरा पानी भरा होता है, अभी तो बिल्कुल खाली हो चुका है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। और सामने उनकी एक मूर्ति बनी है, आप देख सकते हो बिल्कुल, मतलब इतनी अच्छी फील होता है ना यहाँ पे आके, इतना ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कहने की हद नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है यहाँ पे, है ना। मतलब कि अगर इसी टाइम पे भाई मर गया, मेरे को छाई में जाने दो, अगर इसी टाइम पे मैं कहीं और होता ना, कसम से एक मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकता यार। बहुत ज़्यादा गर्मी है बट फिर भी इतनी हार्ड लोकेशन है ना, गर्मी का बिल्कुल भी चिल सीन है यार, बिल्कुल चिल सीन है। जितनी मर्जी गर्मी हो बट लोकेशन डिपेंड करती है कि बंदे का इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पर आए हो। बहुत हार्ड लोकेशन है, आई लव यार, बहुत बोलता अभी बोलते हुए कि इतनी बार क्यों बोल रहा है, बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत फेवरेट चीज़ है मेरी। मेरे लिए बाहर की स्टेट भी इतनी फेवरेट नहीं है जितनी मेरे लिए फेवरेट ये चीज़ है, यहाँ की प्लेस है बहुत फेवरेट है। सो आपको अभी मैं दिखाता हूँ जहाँ से पटरी निकलती है, पूरी पाकिस्तान की तरफ निकलती है। सो चलो चलते हैं और देखते हैं। ये रहा आपके भाई का बैग, सो वो सामने है जहाँ पे पटरी निकलती है, और उसके बाद आपका ये देख सकते हो इनकी लीजेंड्स की जो बनी हुई है। चलो हम चलते हैं उस साइड, ये रहा हमारा फ्लैग आप देख सकते हो, और ये वो लोकेशन है, ठीक है, जहाँ से रेल आती ट्रेन आती है, और जो ये पटरी है, जो ये पटरी है, ये देखो ऊपर से कितना पुराना है, और देखो ऊपर से भी जब ये फिरोजपुर से कसूर जाती थी, जो पाकिस्तान में कसूर है आप लोकेशन में देख सकते हो, ये फिरोजपुर से कसूर जाती थी, ठीक है। जो ये लोकेशन आप देख सकते हो, ये लोकेशन में मैंने बहुत सारे पिक्स क्लिक की हैं, बहुत अच्छी पिक्स आती हैं। और ये जो पटरी है मैंने नीचे देख सकते हो बिल्कुल, ये पटरी है, ये फिरोजपुर से पाकिस्तान में कसूर शहर है, जिस कसूर के शहर से नाम से हमारा जो मोहल्ला बड़ा है उसका नाम है कसूरी गेट, उसका कारण बड़ा है। मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो ये वो ब्रिज बना हुआ है पीछे, देखो वो ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज से सीधा इस साइड ट्रेन आती है, और यहाँ से ट्रेन जाती है और वो सीधा पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। बहुत अच्छी लोकेशन है और यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है,
पूरा पार्क दिख रहा है, वहाँ पे किसी की समाधि बनी है, आई डोंट नो कि किसकी बनी हुई है। और जो तीन जो मेन थिंग के कारण यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, फर्स्ट चीज यहाँ पे हर दिन वो होती है प्रेयर, उधर वाली साइड पे कोरोना के कारण प्रेयर नहीं हो रही, प्रेयर देखने वाली होती है भाई, बहुत चिल वाली प्रेयर होती है, बहुत हार्ड होती है, सामने बिल्कुल पाकिस्तान वाले बैठे होते हैं, इधर हम बैठे होते हैं, बीच में अपने सोल्डर्स आपस में कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बहुत सही है यार, मेरा बहुत मन था कि आप लोगों को ये दिखाऊं, पूरा देख सकते हो आप। अगर कुछ गलत लगा तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं करना, वीडियो ये जाएगी 8 या 9 मिनट के आसपास या 10 मिनट के आसपास वीडियो जाएगी। सो अभी जो लास्ट चीज़ रह चुकी है, मैंने आपको पूरा बैकअप दे दिया है, क्योंकि उधर तो जा नहीं सकते, जो मेन थिंग है 50% उधर है, 50% इधर है। आई होप कि मैंने ये पूरा कवर कर लिया हूँ, ठीक है। जो उधर का कवर है ना रह जाएगा, जैसे कोरोना खत्म होगा, वो बोल रहे हैं कि आई होप कि 10-15 दिन तक शायद वो खुल जाए। उसी टाइम जिस दिन खुला, पहले दिन ही मैं वहाँ आऊँगा। अगर किसी को यहाँ पे आना है, यहाँ आने के दो रास्ते हैं, अगर आप पंजाब से बाहर हो तो आप अमृतसर में आ सकते हो, अगर एयरपोर्ट की तरह आना है, एयरपोर्ट के रास्ते आना है तो अमृतसर में आ सकते हो। एक अमृतसर में बहुत अच्छा बॉर्डर है, बहुत जल्दी मैं उसको कवर करूंगा, अमृतसर में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉर्डर है। उसके बाद ये फिरोजपुर वाला बहुत अच्छा बॉर्डर, अगर आपको पंजाब में कभी भी आओ, ये फिरोजपुर में पड़ता है बॉर्डर, फिरोजपुर में हुसैनी वाला बॉर्डर है पड़ता है, अगर पंजाब में कभी भी आओ तो यहाँ ज़रूर होके जाना, मतलब दिल को सुकून मिलेगा यहाँ पर आने से। सो वीडियो को लंबा करना ख़त्म करते हैं, सो फाइनली चलते हैं हम पार्क में, जो लास्ट रह चुका है हमारा पार्क, जो बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड में है। उधर कंटीन भी है, गर्मी बहुत है, पानी लेंगे, कुछ खाए पिएंगे। चलो हेयर्स को ध्यान से बाहर निकालो। अभी आपको बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गया था कि यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी टावर की रेंज नहीं आती, मतलब कोई भी सिम यहाँ पे नहीं चलती। आई थिंक कि एयरटेल की चलती है, मतलब बहुत माइनर सी चलती है, कभी कभी टावर आ जाते हैं, बट जैम्बर लगे के कारण यहाँ पे बिल्कुल भी रेंज नहीं आती। ये मेरा भाई है, ठीक है, वो भी मेरा भाई है, ये तो मेरी जान है, वो भी जान है, बट ये भी जान, मतलब दोनों ही जान है। घूम चुके हैं, आपको वो भी घुमा दिया। अब इसके अलावा एक और सेकंड पार्क है जहाँ जो बच्चों के लिए बना हुआ है, ठीक है, जो बच्चों के लिए बना हुआ है। अब हम उधर जाने, क्योंकि कैंटीन उधर है, गर्मी बहुत, अब पीने के लिए पानी है, पानी पी लिया, भूख बहुत लगी हुई है। अभी हम शूज़ डालते हैं, जैसे आप देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ, अभी दूसरे पार्क में जा रहे हैं जो बच्चों के लिए है, उधर जाके पार्क में बैठते हैं और कुछ खाते हैं, चलो चलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि एक बंदा मेरे को यहाँ पे बोला कि कंटीन चालू है, ठीक है, वो कंटीन बिल्कुल सामने है, देख बिल्कुल पीछे है, ठीक है, वो बोला कि कंटीन खुली हुई है, आप वेट करो, वो बंदा के गया हुआ है, बट वो बंदा आया ही नहीं यार, बोले कि कंटीन बंद, मतलब चूतिया बना गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो, अभी छोड़ो कुछ खाना पीना, अभी बस जा रहा हूँ मैं वापस फिरोजपुर में, ठीक है, अपने घर। सो ये देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने पानी भरा होता है और यहाँ पे डक चलती होती है, और ये रहा पूरा पार्क, पीछे भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। सो फाइनली हम आ चुके हैं ब्रिज के पास, देख सकते हो ये वही ब्रिज है जो मैंने एक मिनट पहले आपको दिखाया था ना, जो मैंने एक मिनट पहले आपको दिखाया था कि यहाँ से सीधा ट्रेन जाती है, जो इधर वाला साइड है ये जाता है हमारी सिटी की तरफ, जो उधर वाला साइड है, जो मेरे बैकग्राउंड बिल्कुल वो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो जहाँ पे मैं अभी होके आया हूँ, वो वाला साइड है वो जाता है पाकिस्तान की तरफ। सो ये जो ब्रिज है बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है। सो दिस इज लास्ट लोकेशन, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं फोटोशूट के लिए, बहुत कपल्स आते हैं घूमने के लिए, और घूमने के लिए इतनी ज़्यादा प्लेस है ना, मतलब हर एक एक मिनट के या आधे आधे मिनट के रास्ते में बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए, बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बड़ी प्लेस है, कि बंदा आराम से अगर अकेला बंदा 100% भी है ना तो खुशी से घूम सकता है, मतलब इतना अच्छा है। और आप जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड में, अभी हम पिक्स क्लिक करेंगे, अगर आपको पिक्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, आपको मंडे या ट्यूसडे को वीडियो मिलेगी फुली एडिट करके, एक दो दिन में लग जाएगा, बहुत अच्छी तरह एडिट करूँगा मैं, एडिटिंग अभी नहीं तो सीखे, पहले मैं फ़ोन पर एडिट करता था, अभी मैं कंप्यूटर पर एडिट करता हूँ,
बहुत जल्दी मैं ये वीडियो शायद मैं आज शाम तक मैं घर जाऊंगा, हाँ रात तक घर जाऊंगा मैं, कल मैं वीडियो इसको एडिट करूंगा और परसों तक आई होप माय बेस्ट कि मैं परसों तक ये वीडियो डाल दूं। और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ना, वैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये वाली रेगुलर आपको नहीं मिलेगी जो इसकी जो है, जो मैं डेली वीडियो डालता हूँ कि अगर मैं कहीं जाता हूँ तो पहले मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। बट इसकी स्टोरी मैं इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता, इसके कारण मैं स्टोरी नहीं डाल सकता। इसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का नाम नीचे दे रखा हूँ और जाके फॉलो करो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू, पीस आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन निखिल ट्रैवल चैनल पे, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, लव यू।